फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फेसबुक का, जो कि है फेसबुक कॉल एड्स कैंपेन। आई एम श्योर आप में से काफ़ी लोग शायद इसके बारे में जानते होंगे, तभी आप सर्च करते हुए इस वीडियो पे आए। सेकेंडली, जो लोग नहीं जानते उनको मैं पहले ही बता दूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव है फेसबुक कॉल एड्स का, मोस्टली क्या होता है फेसबुक में जब हम लीड एड्स चलाते हैं, जिन लोगों को थोड़ा अवेयरनेस है, थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर पूरी लाइव केस स्टडीज वगैरह मैं आपको पूरा इसमें शेयर करूँगा, क्योंकि मेरे पे लाइव अकाउंट भी अवेलेबल है, पूरे स्टैट्स वगैरह आपको प्रेजेंट करूँगा इसमें मैं। लेकिन जस्ट पहले एक थोड़ा बिगनिंग इंट्रो मैं आपको बता दूं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहे कि आपने ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों बताना है, ब्रांड पे भी क्यों आपको ऑन टॉप प्रायोरिटी इसको पिच करना है, क्लाइंट के लिए भी ऑब्वियसली आपको क्यों पिच करना है कॉल एड्स का, कि आप वो स्टार्ट करें कैंपेन। देखिए, पहली बात, 100% कंपैटिबल लीड्स आपको मिलेंगी, क्योंकि इंटेंट ऑडियंस रहेगी जो आपको कॉल करेगी। सेकेंडली, आपका जो लीड का कॉस्ट होता है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस वाइज बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे इस प्रोजेक्ट पे जो है कॉल का कॉस्ट कम आ रहा है तो मैं आपको कन्विंस करने के लिए बता रहा हूँ, नहीं, ये कोई रीज़न नहीं है। मैंने कई ब्रांड्स को कंसल्ट कर रखा है सोशल मीडिया पे, गूगल एड्स पे कंसल्टिंग मैनेजमेंट करता हूँ, या आपके कोई सीनियर्स भी होंगे, मेंटर्स भी होंगे, उनको भी आप एक बार पूछ लीजिएगा, कॉल एड्स का जो लीड कॉस्ट होता है वो फेसबुक लीड एड्स से कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है, और इंटेंट भी, कंपैटिबिलिटी भी 100% होती है। फेसबुक लीड एड्स कैंपेन जैसे हम चलाते हैं, जैसे आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे फेसबुक लीड एड्स कैंपेन चले हुए, लीड्स आ रही हैं, इनमें इनकम्पैटिबिलिटी आप ये लगा लीजिए 90% होगी, 10% भी मैं कह रहा हूँ आपको कि बस हो सकता है कंपैटिबल हो, लेकिन जो मुझे कॉल्स आ रही हैं, जो मेरी कॉल्स कन्फर्मेशन हो रही हैं एस्टिमेटेड, ये बिल्कुल मेरी कंपैटिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप कॉल कर रहे हैं मुझे तो हमारा जो इंटेंट है वो क्लियर है और हमारी कंपैटिबिलिटी है, तभी वो सर्विस से हमें कॉल कर रहे हैं, राइट, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो कॉल कैंपेन हमेशा पिच करें अगर आपको बहुत ट्रबल हो रहा है फेसबुक लीड ऑब्जेक्टिव से, कि क्लाइंट रिटेन ही नहीं हो रहा, कह रहा है बहुत कंसर्न है, बहुत क्वेरीज है, लीड है चाहे कॉल से करें, अगर पॉसिबिलिटी है फॉर्म से अवॉइड करके अगर आप कॉल के थ्रू मूव करते हैं तो आपका क्लाइंट रिटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं और आपकी लाइफ बहुत ईजी रहेगी, ठीक है। और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुपर इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव है। अब मैं आज आपको सिखाने क्या वाला हूँ, आप बोलेंगे हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में पता हो, लेकिन आज मैं आपको 3 ways बताने वाला हूँ, 3 मेथड बताने वाला हूँ जिससे कि आप फेसबुक में कॉल एड्स कैंपेन अपना चला सकते हैं। नॉर्मल तो एक लीड ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको अभी दिखाई रहा हूँ, इसका भी मैं प्रोसेस बताऊंगा, ये तो टॉप प्रायोरिटी का है, लेकिन इसके पार्ट में 2 मेथड और बताऊंगा जिससे कि आप फेसबुक कॉल एड्स कैंपेन और भी फर्दर एक्सटेंशन पे आप ट्राई कर सकते हैं, अपना लेवल थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हैं और पूरा अटेम्प्ट करेंगे जितनी ज़्यादा कॉल्स आप जनरेट कर सकें फॉर अ बिजनेस, ठीक है। तो कुछ नया करते हैं आज, कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले केस स्टडीज हम थोड़ा नज़र मार लेते हैं। फ्रेंड, दिख ही रहा होगा कॉल लीड्स है और ये हमारा जेनरिक लीड फॉर्म ऑब्जेक्टिव है, जैसे फेसबुक का जो लीड फॉर्म हम क्रिएट करते हैं, कोई यूज़र आता है, वहाँ से डिटेल्स वगैरह हमारी कैप्चर होती है, हमें डाउनलोड करते हैं पेज से और हम फॉलोअप करते हैं, वहीं कंसर्न हो जाता है कि हमारी लीड्स कंपैटिबल कम मिलती और नॉट रीचेबल, नॉट रिस्पॉन्स लीड्स ज़्यादा रहती, तो इनकम्पैटिबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, तो कंप्लेंट्स ऑब्वियसली हमारी हो जाती है। अब कॉल्स, आज का मैं स्टैट्स दिखा दूँ, ज़्यादा नहीं जाता हूँ प्रीवियस दिस वीक, टुडे पे ही सीधा करते हैं काम जैसे मैं कर रहा हूँ। तो कॉल लीड्स में मेरे को 18 कॉल्स अभी आ गई हैं, पर कॉस्ट पर जो लीड कन्वर्जन मुझे आ रहा है वो 12 रुपीज़ आ रहा है। फेसबुक से जो मेरे को लीड फॉर्म एड्स आई हैं, जो फॉर्म कैप्चा सबमिट हुआ है मेरा लीड फॉर्म का, जिसमें नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह है, वो मेरा जो लीड कॉस्ट पर है वो 25 रुपीज़ मुझे अभी फिलहाल पर लीड का पड़ रहा है, ठीक है। ये मेरा स्पेंड है जो अभी सो फार टुडे में चल रहा है, बिकॉज अभी न्यू ब्रांड है, स्टार्ट ही कर रहा हूँ, मैंने कंसल्ट करना आज से मैंने स्टार्ट करा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, फीडबैक भी लिया काफ़ी अच्छी, कॉल लीड्स तो मतलब 100% कंपैटिबल है, ब्रांड बिल्कुल सेटिस्फाइड है, लीड फॉर्म में तो जंक परसेंटेज ऑब्वियसली है, इसको हम थोड़ा कम पेस करेंगे, कॉल एड्स को ज़्यादा पेस करेंगे, ये हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। सेकेंडली, अब अगर हमें कॉल कैंपेन अपना स्टार्ट करना है तो किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने अभी डाला और कोई भी नंबर डाला और ऐड चला दिया, ऐसे नहीं होगा। इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है हमारे फेसबुक पेज पे, हमें अपना कॉल बटन पहले अपना जो है वो अपडेट करना पड़ेगा, नंबर वहाँ पे इन शॉर्ट अपडेट करना पड़ेगा जो कि हम यूज़ करेंगे अपने एड्स में, कॉल एड्स में, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, एक्सपेक्टेड है कि मुझे लग रहा है कि शायद आपको ये पता होगा अपना पेज पे कैसे आना है, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट पेज खोला हुआ था, तो पेज पे आप आइए अपने फेसबुक पे, ठीक है। पेज पे आने के बाद आपको राइट साइड में दिख रहा होगा एडिट कॉल नाउ, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एडिट बटन, इस पर आपको क्लिक करना है। मैंने एडिट बटन पे क्लिक करा तो सारे एक्शंस आपके सामने जो भी पॉसिबल है कॉल से रिलेटेड वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन आ रहा है कॉल नाउ का, तो हम ऑब्वियसली कॉल ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, कॉल एड्स कर रहे हैं, तो कॉल नाउ हमारा जो यहाँ पे एक्शन है तो हम इसको अपडेट करना पड़ेगा नंबर को। तो मैंने कॉल नाउ पे क्लिक करा, यहाँ पे अपना कंट्री एक्सटेंशन चूज करना है, तो मैंने ले लिया इंडिया, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ,
और अपना जो फ़ोन नंबर आपकी साइट पे या जिस पे भी आप कॉल रिसीव करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पे ऐड कर दें। मैंने तो ऑलरेडी करा है, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ इसमें क्या ध्यान रखनी है, आप सोचेंगे यहाँ पे नंबर डाल के शायद हो सकता है फ़ोन पे कोई OTP या कोई सिक्योरिटी कोड आया उसको आप ऐड करें तब वो वेरीफाई, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली नंबर आपने डाल देना और आपका नंबर जो है जैसे नंबर डालेंगे सेव करेंगे आपका नंबर जो है अपडेट हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है कि ये आप कर लेंगे, बहुत ईजी मेथड था, आपने इतना काम कर लिया। मैंने तो ऑलरेडी कर रखा था, जिसमें आपको एडिट करके बता रहा था, सिंपल स्टेप है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बताने वाला हूँ रिकमेंडेड कि भैया कॉल एड्स कौन सा ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट करें, जो कि मैं चला रहा हूँ, तो पहले आपको वही ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर दो और मैं वेज बताऊंगा जो मैं अभी इस कमिंग वीक में उनको टेस्ट एंड ट्राई साथ में लॉन्च में करूंगा, क्योंकि हमारा काम होता है फ्रिक्वेंटली न्यू टेस्टिंग पे काम करते रहना। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो चला लीजिएगा, नहीं आ रहे तो नॉलेज में रखने के लिए क्या बुरा है सर। मैं तो जॉब बेस्ड कंटेंट बना रहा हूँ आपके लिए, जितना बेनिफिशियल हो जितने वेज आप बता पाए आपके लिए ऐड ऑन, आपकी नॉलेज स्किल सेट दिखाएगी कितना आपको काम आता है प्रो लेवल पे, कितने एडवांस सेटिंग्स आप मल्टी फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो मैंने ये बनाया है, ये मैंने बनाया है क्रिएट करके, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि कौन सा ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है। मैंने बनाया है फ्रेंड्स लीड जनरेशन पे, ठीक है। लीड जनरेशन में क्या बनाया, मैंने चूज कर लिया, कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद मेरे जो एडसेट वगैरह एड्स वगैरह आएंगे वो सारे ऑप्शंस आएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट अपने कैंपेन पे ही क्लिक करके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने क्रिएट करा है, ठीक है। तो ये मेरा एडसेट है, मैं एडिट कर देता हूँ, मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, कुछ भी नहीं है, कैंपेन को ऑप्ट करा लीड में, उसके बाद ये एडसेट का नेम बोल रहा है, आपको जो नाम देना है दीजिए, मैंने तो अभी स्टार्ट करा है कंसल्ट करना, ठीक है। उसके बाद अपना डेली बजट, जो आपका डेली बजट है वो ऐड कीजिए। मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको फेसबुक का नेविगेशन आता है बिल्कुल लेमन नहीं है, कि आपको पता ही नहीं फेसबुक एड्स क्या होते हैं, तो मैं उस प्रोस्पेक्ट से बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा प्रो कंटेंट बनाने में बिलीव करता हूँ, जो कि लीड बेस्ड सेल बेस्ड कंटेंट ज़्यादा हो, जो मेरे आप चैनल पे भी देखेंगे गूगल एड्स का। सोशल मीडिया मैंने स्टार्ट कर दिया है ऐड ऑन करना अपने प्लेटफॉर्म पे, ट्रेनिंग्स में तो मैं कराते ही हूँ। अब दूसरा क्या है कि आपको ऑडियंसेस में क्रिएट, मैंने ऑडियंसेस करी है। अब फ्रेंड पता है एक छोटा सा पॉइंट पर, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोलेंगे बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, लेकिन बहुत लॉजिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस वाइज आपको बता रहा हूँ, बाकी आप आपके जो सीनियर्स हैं या आप अगर ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं तो आप उसको एक बार रिलेट करिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ्रेंड हम मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, आपने देखा होगा कंपनीज में हम सेव्ड ऑडियंस बनाते हैं, करते हैं ये सेव्ड ऑडियंस बनी हुई है यहाँ पे भी, और क्या करते हैं उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा कैंपेन बनाते हैं टेस्टिंग के लिए, चाहे पोस्ट इंगेजमेंट का हो, चाहे लाइक्स का हो, चाहे लीड्स का हो, वही ऑडियंसेस कनेक्ट करते रहते हैं। अब पता है इसका ड्रॉबैक क्या होता है, आप थोड़ा लॉजिक समझिएगा, मल्टी टाइम्स अगर आप एक ऑडियंस को यूज करते हैं ना रिपीटेड, तो आपका CPC हाई हो जाता है, आपकी रीच ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि ऑडियंस फ्रिक्वेंटली आपकी यूज़ हो रही है। आप ये किसी से भी पूछ लीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस से, जो आपका मेंटोर है या जो भी ट्रेनर है जो भी आपको काम सिखा रहा है, तो कभी भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कहता हूँ कि कभी भी आप कोई भी कैंपेन बना रहे हैं जो कि आपको रिजल्ट बेस्ड बनाना है, तो एक बार एफर्ट करके आप उसकी ऑडियंस मैनुअली करें ऐड ऑन, तो उसमें कुछ आपका प्लस माइनस होगा, तो आपके लिए प्लस रहेगा। सेव्ड ऑडियंस में प्लस माइनस नहीं कर सकते, और बार बार सेव्ड ऑडियंस नहीं बनाएंगे तो कोई लॉजिक ही नहीं, तो डायरेक्टली बना लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैं हमेशा क्या करता हूँ, जितने बिजनेस करता हूँ 10 मिनट ज़्यादा लग जाए, 10 मिनट ज़्यादा एफर्ट लग जाए मेरा, लेकिन मैं हमेशा क्रेडिट बनाता हूँ ऑडियंस, और इसमें भी मैं और मॉडिफिकेशन फर्दर लेवल पे और ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो कंटेंट थोड़ा लंबा हो जाएगा ब्रीफिंग में, वो मैं फिर आपको कभी आगे फ्यूचर में शेयर करूंगा कंटेंट इसका, लेकिन जस्ट आपको लॉजिक मैंने बता दिया कि सेव्ड ऑडियंस ना बनाए, एक बार ट्राई कीजिए फ्रेश ऑडियंस ऐड करके, चाहे जो आपकी सेव्ड ऑडियंस में ऑडियंस है आपको एक बार मैनुअली इंटीग्रेट करके देखें, जैसे हम डायरेक्ट ऐड ऑन कर रहे हैं यहाँ पे, आपको रिजल्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, प्लस ही जाएंगे, माइनस नहीं होगा आपके रिजल्ट्स में, ठीक है। तो ये मैंने एक आपसे थोड़ा इनसाइड अपना शेयर करा, एक दो चीज़ें मैं और शेयर करूंगा, हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। सेकेंडली क्या है, जब भी कोई कैंपेन आप रन करते हैं, चाहे वो लीड्स का हो चाहे कॉल का हो, तो अपना लैंग्वेज इंटरफेस जरूर सेट करें। कई लोगों को मैंने देखा वो ऑल लैंग्वेजेस में चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कॉल में तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कॉल आएगी तो ठीक है, कई बार हो जाता है थोड़ा रीजनल लैंग्वेज का, जो सिटी वाइज जो स्टेट वाइज लैंग्वेज का कैप, चलो 1-2% चल गया, लेकिन जब आप लीड फॉर्म एड्स बनाते हैं ना, जैसे मेरा सेकंड वाला कैंपेन था जिसमें मेरी लीड्स आ रही थी 21 फॉर्म मैं कैप्चर कर रहा हूँ, वहाँ पे ना लैंग्वेज कैप बहुत ज़्यादा कंसर्न आता है इंडिया लेवल पे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी लैंग्वेज जो आपका लैंग्वेज इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग लीड कैप्चर करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, कंपैटिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। बस ये आपको मैं फीडबैक दे रहा हूँ, रेस्ट आपका कॉल है, आप थोड़ा समझे थोड़ा इनसाइट्स, ठीक है। दूसरा क्या है, टारगेटिंग एक्सपेंशन जो है आपका, इसको आप हमेशा ऑफ रखें। आप में से कई लोगों को पता होगा टारगेटिंग एक्सपेंशन के बारे में, कि फेसबुक क्या करता है, आपकी ऑडियंसेस के अपार्ट, जो मैंने टारगेट करी है इसके अपार्ट, और भी ऑडियंसेस को
आपकी एड दिखा देता है इन ऑर्डर टू जनरेट एज मच एज लीड पॉसिबल या ज़्यादा से ज़्यादा कॉल पॉसिबल। लेकिन उसमें क्या होता है, कंपैटिबिलिटी हमारी हिट हो जाती है, इनकंपैटिबिलिटी बढ़ जाती है, कंपैटिबिलिटी कम हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन ऑफ कर दें तो चलेगा। हाँ, जहाँ ई कॉमर्स की वेबसाइट है, शॉपिंग बेस्ड वेबसाइट है, वहाँ पर आप टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप वो कर सकते हैं। लेकिन अभी हम कॉल एड्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइडर एड्स ही हुई, तो वहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि टारगेटिंग एक्सपेंशन आप हमेशा ही ऑफ रखें, ठीक है। तो ये मेरा अपने एक्सपीरियंस वाइज था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ है नहीं बताने के लिए, लेकिन जस्ट ये कि कंसिडर कि आप में से हो सकता है कोई लेमेन हो, फर्स्ट टाइम देख रहा हो, समझ रहा हो चीज़ों को, तो उसके नॉलेज के पॉइंट से बता रहा हूँ कि आप चाहे तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ले लें, चाहे तो आप मैनुअल प्लेसमेंट ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑटोमेटिक में भी वो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करेगा जहाँ पे वो कॉल सपोर्ट कर रहा है। मैनुअल भी लेंगे तो आप कोई एडिटिंग कर नहीं पाएंगे, जो प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है डिफॉल्ट वही आपका दिखाएगा। ना आप चूज़ कर सकते, ना आप ऑप्ट आउट कर सकते, ना आप ऐसे बोल सकते कि मुझे इन पर्टिकुलर उस पर ऑप्ट करना है, ठीक है। तो आप ऑटोमेटिक ही चला लें तो बेटर है। मिस्टेकनली मुझसे ये जो मेरे ट्रेनी बना रहे थे मेरे साथ ट्रेनिंग्स में, उन्होंने मैनुअल कर दिया जस्ट अपनी लर्निंग्स के लिए, बट ऑटोमेटिक करेंगे तो भी ओके, रिकमेंडेड ही आप जाइए, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट ही करिएगा। यहाँ पे मैनुअल भी सही है लेकिन ऑटोमेटिक में भी वही चलता है जो मैनुअल में, ठीक है। क्योंकि एडिटिंग का तो फीचर है नहीं कि कुछ कौन सा ऑप्ट आउट करना है, कौन सा ऑप्ट करना है, ये आपको नहीं मिलेगा। जहाँ कॉल कंपेटेबल है वहीं चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एड्स का, जहाँ पे मैं कॉल इंटीग्रेशन तो अभी कुछ बताया नहीं आपको, वो एड्स वाले पार्ट में ही तो होगी जब हम एड्स की टारगेटिंग लगा के एड सेट के बाद एड्स में पहुँचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपना पेज वगैरह आप लिंक कर लीजिएगा, वो तो आपको डिफॉल्ट आ ही जाएगा। मैंने अभी सिंगल इमेज और वीडियो है, मैंने अपनी यहाँ पे अभी शायद वीडियो डाला हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने टेस्टिंग के लिए दो डाले लेकिन मैं अभी अपना यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने यहाँ पे ऐड करा हुआ एक टारगेटिंग फर्स्ट ऑप्शन में, अपनी इमेज ऐड मैंने यहाँ पे ऐड करी हुई है जो ब्रांड साइट से मुझे मिली थी। उसके बाद जो मैंने कंटेंट क्रिएट करा है वो मैंने कुछ इस तरीके से कंटेंट क्रिएट करा है, देख लीजिए आप। कंटेंट क्रिएट करने का जो लॉजिक है वो कुछ इस तरीके से ही रखते हैं मोस्टली प्रोफेशनल्स। वो ये होता है कि थोड़ा पैरा फॉर्मेट में, जैसे आपने यहाँ पे देखा होगा थोड़ा पैरा फॉर्मेट में डाला हुआ है हमने, यहाँ पे प्रीव्यू भी आ रहा है आपका, ठीक है। प्रीव्यू में बाद में दिखा दूंगा आपको एक्सपेंड करके। और यहाँ पे कुछ हमने बुलेट पॉइंट्स में भी कंटेंट ऐड करा हुआ है, और फिर हमने नाम और वेबसाइट भी यहाँ पे शेयर करी हुई है कॉल एड्स के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने हेडलाइन ऐड करी हुई है, जैसे फुटर में आप देख रहे होंगे हेडलाइन हमने ऐड करी हुई है। जो हमारा डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल आता है वहाँ पे मैंने कुछ न्यू ईयर ईव बेस्ट डील्स के नाम से ऐसी कुछ डाल दिया, क्योंकि जो अभी करंट फेस्ट चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डाल दें तो थोड़ा अपीलिंग टेक्स्ट रहता है, ज़्यादा रीच में आता है, तो मैंने ये डिस्क्रिप्शन फुटर में डाल दिया। यहाँ पे हमारा कॉल नाउ बटन आ रहा है, ये कैसे आ रहा है ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट एक ऑप्शन आ जाएगा फ़ोन नंबर का, कंट्री एक्सटेंशन लीजिए और अपना फ़ोन नंबर ऐड कर दीजिए, तो आई गेस आपको क्लियर होगा। अब इस ऐड में क्या है कि कोई भी कहीं पे भी क्लिक करेगा कॉल बटन पे तो हमारे को सीधा कॉल का ही ऑप्शन है, देख रहे हैं आप। यहाँ पे कहीं पे भी वेबसाइट लिंक मैंने नहीं दिया, देख रहे हैं कोई ऑप्शन ही नहीं आया वेबसाइट URL का, तो कहीं भी क्लिक करेगा तो वो सीधा कॉल ही आपका जो है ऑप्शन आएगा कनेक्ट होने का, मतलब कोई वेबसाइट ट्रैफिक का ऑप्शन नहीं है। बट मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो प्राइमरी टेक्स्ट है इसमें मैंने अपनी वेबसाइट का URL दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो अगर कोई डायरेक्ट जाना चाह रहा है, देखना चाह रहा है और वहाँ से भी करना चाह रहा है कॉन्टैक्ट तो कर सकता है, यूजली लोग कम करते हैं, डायरेक्ट लोग यहीं से कॉल कर लेते हैं, ठीक है। आई गेस इतना क्लियर होगा आपको, उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि कैसे आपको बनाना है। तो ये तो था फ्रेंड्स हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि रिकमेंडेड है, मैं खुद रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मैं चला रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, तो ये सब प्रोफेशनल्स आपको रिकमेंड करेंगे, ठीक है। अब जो सेकंड मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, जो मतलब आप चाहें तो कॉल एड्स उसके थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है मैं कल परसों में आने वाले डेज में उसको भी मैं टेस्टिंग में लूँ, प्रोसेस में लूँ और देखूँ कैसे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ क्लाइंट का फीडबैक बताया उसने कि भाई मेरी कॉल्स बढ़ गई या कम हो गई, जो भी एक्स वाई जेड देखते हैं। तो अब मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ कर सकता हूँ और दो कॉल एड्स के लिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्रिएट एड पे गए, सेकंड रिकमेंडेड ऑब्जेक्टिव वो मेरा है रीच। रीच पे जाने के बाद कंटिन्यू करना है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रोसेस। कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा माइनर ट्वीक है बस, वो आप समझिएगा, नॉर्मल है ये तो, मैंने आपको बता ही दिया। बजट वगैरह ऑडियंस वगैरह आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से, मैं सीधा एड्स पे आ गया दिखाने के लिए आपको, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाए और आप मेन काम समझ जाए अपना, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना हो आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज वगैरह लगा लेंगे फ्रेंड, एक्सपेक्टेड है कि आपको पता है आप लगा लेंगे इमेज, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है आपका ऑप्शन एक, ये ध्यान रखिएगा रीच में, ऐड अ वेबसाइट URL, ठीक है, इस पर क्लिक करा आपने। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देख रहे हैं हेडलाइन आ गई, इससे पहले नहीं था, देख लीजिए मैं अनचेक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज था, आपके ट्रैकिंग और इवेंट्स थे। मैंने करा ऐड अ वेबसाइट URL, आपके पास भी आएगा, हेडलाइन ऐड करिए, डिस्क्रिप्शन ऐड करिए,
यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वेबसाइट यूआरएल का, ध्यान से देखिएगा, वेबसाइट यूआरएल है मतलब लैंडिंग पेज, मैं वेबसाइट का नाम दूंगा जो भी मेरा डोमेन है www. मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालूंगा लैंडिंग पेज अपना। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉल बटन का, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और लूंगा अपना जो भी मेरा ऑप्शन है कॉल नाउ, और यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा। आ गया फ़ोन नंबर, अब मेरा प्रीव्यू कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है, ध्यान से समझिएगा, शायद आपने समझ भी लिया होगा। इसमें अगर कोई कहीं पे भी क्लिक करेगा ऐड में मेरे, तो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कॉल नाउ वाले बटन पे क्लिक करेगा तो मेरे फ़ोन नंबर वाला जो ऑप्शन यहाँ पे डालूंगा फ़ोन नंबर, उस पे डायल पैड में उसका नंबर आ जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे ये वेबसाइट कम कॉल एड्स है, जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि वेबसाइट से भी आ जाए लीड, कॉल से भी आ जाए, ट्राई कर रहे हैं, तो रीच आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं आता रीच से, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा जो है गूगल एड्स में जैसे होता है ना, वेबसाइट विजिट्स और कॉल वाला, दोनों कॉल एड्स में रहते हैं कॉम्बो, ये उस तरीके का रीच एड्स है। पर ट्राई आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आपकी कॉल जो है वो कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये वैसे ऑनेस्टली थोड़ा मिस्टेकनली मैंने आपको बोल दिया, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी पे नहीं होता, ये मेरा थर्ड प्रायोरिटी पे होता है, बट वो ऑब्जेक्टिव पहले आ रहा था तो मैंने आपको बोल दिया। अब जो मेरा सेकंड प्रायोरिटी का ऐड है, जो कि प्रॉपर कॉल ऐड है, वो कौन सा है वो मैं पहले आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ, जो चेंजेस मैंने अभी करे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ कैंपेन, ये बेस्ट ऑब्जेक्टिव है। अगर आप मैं अभी अगर कमिंग डेज में यूज़ करूंगा तो पहले मैं ट्रैफिक करूंगा, रीच में लेटर ऑन करूंगा, बट ऑब्जेक्टिव पहले था तो मैंने आपको बता दिया। ट्रैफिक प्रॉपर कॉल एड्स बनता है, देखिए मैं बताता हूँ आपको, कंटिन्यू, मैंने पहले ट्राई भी करा हुआ है, अच्छी कॉल्स भी लैंड हुई है मेरे को, इससे काफ़ी अच्छा काम आया है मेरे को, लेकिन लीड से सबसे अच्छा काम आता है, ठीक है। न्यू ट्रैफिक एड्स, सीधा मैं यहीं आता हूँ क्योंकि यहीं पर लगता है, बाकी बजट ऑडियंस वो सब चीज़ें आप अपना कनेक्ट कर लेना, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सिंगल इमेज आ रहा है, उसके बाद अपनी मीडिया मतलब जो आपको इमेज गैलरी वो अपना ऐड करें, वीडियो है तो वीडियो करें, जो भी ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है ना फ़ोन कॉल, तो यहाँ पे अगर मैं वेबसाइट ले लूँगा तो वेबसाइट पे जाएगा ट्रैफिक, क्लिक करके वेबसाइट पे फ़ोन कॉल ले लूँगा तो सीधा मेरा कंट्री कोड डाल के, जैसे मेरा कंट्री कोड है इंडिया का, तो मैंने इंडिया का डाला, और जो मेरा फ़ोन नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो सीधा मेरे ऐड पे कोई भी क्लिक करेगा तो कॉल कनेक्ट होगी। देख लो कहीं पे भी वेबसाइट यूआरएल का ऑप्शन नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि रेडियो बटन अगर ये लूंगा तो ये अनचेक हो जाएगा, फेसबुक इवेंट लूंगा तो ये हट जाएगा, तो ये इस तरीके से है। तो मैंने फ़ोन कॉल ले लिया, तो यहाँ से भी आप अपना कॉल एड्स बना सकते हैं, देख लीजिए कहीं पे भी वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है टॉप में, देख रहे हैं आप, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपकी काइंड ऑफ रीच आपको देता है, और ये फीचर भी आपका कॉल एड्स ही है, लेकिन उतना ज़्यादा हो सकता है काम ना दे, लेकिन दोनों इवेंट्स को, दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का ऑब्जेक्टिव आपको जो है कॉल डिलीवर करने का ही है। थर्ड आपका रीच था, बट उसमें वेबसाइट यूआरएल मैंडेटरी है, तो ये बेस्ट पॉसिबल आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास है, जिससे कि आप अपना कॉल एड्स कैंपेन बना सकते हैं। फ्रेंड एक चीज़ और आपको बता दूं, फ्रेंड ये मेरा चैनल है राहुल बिस्ट, और इसमें वीडियोस में आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी गूगल एड्स की वीडियोस भी डाली हैं, अभी कुछ मैं सोशल मीडिया का कंटेंट भी स्टार्ट कर रहा हूँ ऐड अप करना, तो मोस्टली अच्छी प्रो स्ट्रैटेजीज ही मैं शेयर करता हूँ, और आप अगर देखेंगे तो बहुत लर्निंग्स मिलेगी आपको। फिर भी अगर कोई डाउट क्वेरी आपको मेरे अभी करंट टॉपिक पे है, तो आप, मैंने अपना नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, तो ये आप ऑब्जेक्टिव यूज़ करें और देखें कैसे रिजल्ट्स आते हैं। बाकी एक बार मैं अभी करंट रिफ्रेश करके भी देख लेता हूँ, क्या पता कुछ लीड्स अभी बढ़ी हैं कि नहीं, अभी मेरा 18 है, एक मिनट में रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, आप भी देख लें क्या पता कॉल अभी अपडेट हो रही, क्योंकि इवनिंग में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आता है ट्रैफिक पे अभी। तो फ्रेंड्स अभी मेरी 20 हो गई है 18 के बाद, अगर आपने देखा होगा तो अभी मेरी 20 कॉल्स हो गई हैं एस्टिमेटेड, और मुझे देखिए यहाँ पे CPC भी ₹13 का मुझे अभी एक कॉल पड़ रहा है, और जो मेरा लीड फॉर्म है वो 21 ही है अभी, मेरे को 26 का मुझे यहाँ पे लीड फॉर्म पड़ रहा है, बट कॉल मेरी कम है। ये ओवरऑल जितने भी मैंने बिजनेसेस में कॉल कैंपेन क्रिएट कराए हैं जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए, हमेशा लीड फॉर्म से मुझे कम ही पड़ा है। अब ये रीज़न नहीं कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बट जैसे मैंने बताया ऑडियंसेस वगैरह मैं उसी फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ, और भी मेरी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं लेटर ऑन इंप्लीमेंट करता हूँ, एकदम सॉल ऑफ सडन सारा काम नहीं करता ब्रांड साइड पे, क्योंकि स्लोली स्लोली हम उनको जो है अपग्रेड करते हैं चीज़ों में और इम्प्रूवमेंट्स दिखाते हैं काम में, तो इस तरीके से थोड़ी स्ट्रैटेजीज बनती है। तो ये जस्ट आपको एक आइडिया था, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी, फिर भी कोई डाउट क्वेरी है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।